नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। नजफगढ़ के रणहौला में स्थित हेल्दी लाइफ फाउंडेशन नशामुक्ति केंद्र से एक मरीज की सनसनीखेज मौत का मामला सामने आया है। द्वारका में रहने वाले नसरुद्दीन को 5 जनवरी को नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन 9 जनवरी को नसरुद्दीन के परिवार को उसकी मौत की खबर मिली। परिवार जब नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि नसरुद्दीन को रात 3 बजे दौरा आया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि नसरुद्दीन को पीट पीट कर मार दिया गया, क्योंकि पुलिस की पड़ताल में मृतक के शरीर पर कई सारे चोट के निशान पाए गए। हम वहां पे गए तो मेरी भाभी को और मेरे को और मेरी वाइफ को बैठाया, आधे घंटे तक इधर उधर की बातें कर रहे थे कि ये हो गया, अल्लाह को प्यारे हुए तुम्हारे भाई, ऐसे वैसे। आधे घंटे बाद हमको बताया उन्होंने, तो हमने बोला हमें मिलने दो, तो फिर हमको लेके गए तो उनको ज़मीन पे लेटा रखा था। तो फिर हम जो मैंने देखा तो उसके यहाँ चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला ये गिर गया और वो चोट है। तो हमने सोचा ऐसी होगी, तो एक मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे पंकज जी, उन्होंने बोला नहीं भाई 100 नंबर कॉल करो। तो वो बोल गया 100 नंबर कॉल क्या करोगे, ऐसे वैसे हमको वो करने लग गया। तो पंकज जी से बोल के मैंने कॉल करी 100 नंबर, 100 नंबर पुलिस वाले आए और आईओ आया था, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने साइबर क्राइम वालों को बुलवाया था कि आप आ जाओ। वो आए, उन्होंने उल्टा पलटा देखा तो मेरे भाई की कमर टूटी हुई थी और पीछे पूरे गंठों पे निशान थे डंडों में, और सर में चोट थी यहाँ पे उसके और इधर चोट थी। मर्डर ये मारपीट के उसको खत्म करा गया, चोट पूरी कमर टूटी हुई है उसकी पूरे। पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज किया? कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो क्या किया पुलिस? उस टाइम वैसे हमारे सामने अरेस्ट करा उनको, तीन जनों को थाने ले गए, हमको बोले आप हॉस्पिटल जाइए, इनका पोस्टमार्टम होगा। हम वहाँ चले गए, दूसरे दिन फिर हमको बोला कि सवेरे बॉडी लेने आ जाना, हम बॉडी लेके फिर हमने दर्ज करा, शाम को बोला था आ जाना, हम शाम को गए तो हमसे बोल रहे हैं कि जब क्या था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब हम अरेस्ट करेंगे उनको, हमने छोड़ दिया उनको। इस पूरे मामले पर नसरुद्दीन के परिवार ने कहा कि पुलिस ने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में इंडिया टाइम 24 न्यूज ने हेल्दी लाइफ फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का पक्ष भी लेना चाहा। उन्होंने कैसा बेतुका जवाब दिया, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने हेल्दी लाइफ फाउंडेशन नशामुक्ति केंद्र के एक नंबर पर कॉल किया, ये वही नंबर था जो इस केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कॉलर ने पहले तो इस बात को स्वीकार लिया कि वो नशा मुक्ति केंद्र से ही बोल रहा है, लेकिन जब हमने इस घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं लेकिन किसी नशा मुक्ति केंद्र से नहीं बोल रहा। अब जरा सोचिए, जो नंबर इस केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसी नंबर पर एक पत्रकार से शख्स बोलता है कि वो किसी नशा मुक्ति केंद्र से नहीं बोल रहा, ये कैसी अजीब बात है, सुनिए। ये कल एक केस आया है नसरुद्दीन शाह की मौत का, तो नसीरुद्दीन शाह थे ना कोई, नसीरुद्दीन थे कोई आपके उसमें केंद्र में? हाँ जी। उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है, ऐसा परिवार का आरोप है कि वहाँ पे उनको पीट पीट के मारा गया है, तो इस पे आप कोई पक्ष रखना चाहेंगे अपना? नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैंने बताया तो मैं इंडिया टाइम न्यूज़ से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से तो बोल रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र से बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं। अच्छा, आपका नंबर दिया गया है मुझे। इंडिया टाइम 24 न्यूज ये साफ कर देना चाहता है कि हमारा मकसद किसी संस्था की छवि खराब करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नसीरुद्दीन की मौत कैसे हुई, उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की, इन सभी बातों को देखकर कहा जा सकता है कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।